सके काम करो, जो सरकार रोटी कपड़ा दे ना सके, जो सरकार रोटी कपड़ा दे ना सके, आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? मुलाजम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलाजम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं मुलाजम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, अर्जी साहब तेरे राज में, अर्जी साहब तेरे राज में, बच्चे भूखे मरते हैं, चीर के लगे चीर के लगे तमाम, तो मैं तमाम जो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मीडिया ही है जो हमारे प्रेशर जो भी है टेबल टॉक पर पहुंचाते हैं। और एलजी साहब यही कहते थे, काल में बयान सुन रहा था कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं मिलता, तो आप बात कीजिए, बात किससे करेंगे हम? ना तो हमें टाइम दिया जाता, ना हमें कोई मिलने दिया जाता है। कल एक मीटिंग थी, उसमें बहुत ही उम्मीद थी हमें, इतनी उम्मीद थी कि कुछ तो कुछ मसला हल हो जाएगा, लेकिन तमाम 60,000 जो कैजुअल डेली बेसिस की जब मीटिंग की बात आती है तो फिर दाएं बाएं जे गुमराह करते हैं, टाउन डोर करके जे कहीं दिल्ली चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। हमारा मसला वहाँ का वहाँ पड़ रहा है। क्या आपका? हमारा यही मसला है कि हमारी राहुल पार्टी दी जाए और जो अमित शाह जी बोल गया जो मीडिया बेचे एक्ट लागू करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ है। हम एलजी साहब तक यही बात करना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हमारा जल्द से जल्द मसला हल की जाए और हमारी जो डिमांड है राहुल पार्टी की, इस पर बिल्कुल गौर की जाए और जल्द से जल्द मीटिंग लिया जाए। जय हिंद। विभाग ऐसा भी है जहाँ पर डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, यूटी की बात करें तो यूटी में ज्यादा सैलरी जाती है, और इधर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? जे वो चुप वही है, चुनाव रैली का किसी का दुख नहीं है। उधर तो बैठ बोलते हैं कि मिनिमम वेज जो है एक्ट दिया जाएगा, डबल सैलरी किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के दायरे में हम काम कर रहे हैं 24 घंटे जो हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का काम करता है, लेकिन जहां तो सैलरी की बात नहीं, हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। 225 से जैसे स्कूल का एक 6 बजट रहता है कि स्कूल के जो लगाए जाए और इनको जो ऑफलाइन जो इनके पेपर दिए जाए, हमारे बच्चे कैसे पेपर दिएंगे? ना तो उनके पास मोबाइल है, ना कुछ है, लेकिन ऐसे अड्डे निकाल देती है। जे नहीं सोचते कि कैजुअल डेली वेज का कैसे गुजारा हो रहा है, जिनके बच्चे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोखरे वादे कर रहे हैं। लेकिन खास करके जो एलजी साहब जो रिमोट कंट्रोल से सारे से चल रहे हैं, जो है जो प्राइम मिनिस्टर के, ऐसे छोड़ दो, जो स्टेट में आया जो इधर पूरा पूरा जो अपना विचार दे के हमारा मसला हल करे, हमारे मसले पर गौर की जाए और कैबिनेट जल्दी से जल्दी इनकी मीटिंग ली जाए, हमारा मसला किया जाए। रेगुलर पासी तमाम जो 60,000 जो मुलाजिम है ये बहुत ही निराशा है और इसलिए हम सारे कंटिन्यू हम स्टैक पर चले जाएंगे। शुक्रवार को हमारा प्रत्याशा बांट देगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे आगे की राजनीति क्या होगी क्या नहीं होगी। मित्र जय हिंद, जय भारत।